नमस्कार दर्शकों, प्रणाम मित्रों। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस, क्वेश्चंस आ रहे हैं व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट्स के द्वारा, कि क्या रशिया यूक्रेन के युद्ध का असर भारत पर भी होगा, भारत पर भी क्या आक्रमण होगा, क्या चीन या पाकिस्तान इसका फायदा उठा करके भारत पर आक्रमण करेंगे। वैसे हमने रशिया यूक्रेन वाले वीडियो में कहा था कि डी और एच अक्षर से जिन देश और शहर का नाम शुरू होता है उन पर खतरा बनेगा, और बहुत सारे लोग कहते हैं भारत का नाम हिंदुस्तान है तो एच से शुरू होता है, भारत का कैपिटल दिल्ली है जिसका डी से शुरू होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग ये प्रश्न हमें भेज रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगले 6 महीने तक भारत के ऊपर कोई भी विदेशी शक्ति, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो, तुर्की हो, कोई भी शक्ति क्या हमला करेगी, अगर करेगी तो कब करेगी और उसका परिणाम क्या होगा। वैसे शॉर्ट में अगर बता दूं तो 2 ऐसे समय मुझे मिले हैं। अभी फरवरी महीना चल रहा है और फेब्रुआरी से लेकर के अगस्त तक के 6 महीनों का मैंने भारत देश की स्वतंत्रता की जो कुंडली है, 15 अगस्त 1947 की जो कुंडली है, उस कुंडली का लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, ताजक कुंडली, विंशोत्तरी दशा, चक्र दशा, इन सबका मैंने अध्ययन किया है। सबका अध्ययन करने के बाद 2 ऐसे टाइम पीरियड मुझे मिले हैं कि जब भारत देश पर आक्रमण का खतरा है, वो किस हद तक होगा, किस दिशा में होगा, उसका क्या परिणाम होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं फेब्रुआरी, अभी जो फेब्रुआरी चल रहा है यहां से लेकर के, एक बार एक एक करके हर महीने का मैं बताऊंगा। बहुत सारे दर्शकों ने यह भी पूछा है जर्मनी पर खतरा है या नहीं, पोलैंड पर खतरा है या नहीं, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, इंग्लिश में बनाऊंगा, क्योंकि कुछ दर्शक हैं जो विदेश के हैं जो इंग्लिश प्रिफर करते हैं। सबटाइटल्स मैंने डाले थे लेकिन फिर भी नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज में अगर ऑडियो हो तो वो ज्यादा उनको समझ में आएगा, तो वो वीडियो मैं इंग्लिश में बनाऊंगा। अभी ये वीडियो हिंदी में होगा, इसमें भी इंग्लिश सबटाइटल्स डालने की हम कोशिश करेंगे जल्दी से। तो और मैं साथ में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कब, कैसे, कहां पड़ेगा और क्यों ये सब होगा ये भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि पंडित जी ने ऐसे ही बोल दिया। भाई ऐसे नहीं बोलते, बहुत लंबा चौड़ा अध्ययन करते हैं, मेहनत करते हैं, कुंडलियों का अध्ययन करने में भी मेहनत होती है, कोई ये पत्थर पे लिखा हुआ शिलालेख नहीं होता है, जन्म कुंडलियों का अध्ययन करना होता है। बहुत सारे शास्त्रों में क्या क्या कंडीशंस, टर्म्स कंडीशंस बताई गई है ग्रह नक्षत्रों के असर की, उसका अध्ययन करना होता है, उसके बाद ही फलश्रुति, फल कथन, भविष्य कथन होता है। तो हमारा भारत देश, उस पर क्या असर होगा अगले 6 महीनों में। भारत देश की 15 अगस्त 1947 की जो कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली है, और इसकी सबसे बड़ी विलक्षणता ये है, लग्नेश और षष्ठेश दोनों ही शुक्र है, अर्थात शुक्र ही भारत देश को भी प्रदर्शित करता है और दुश्मन को भी शुक्र ही प्रदर्शित करता है। लेकिन साथ में यहां पर एक चीज ये है कि विदेशी ताकत 12th हाउस में मेष राशि है जिसके स्वामी मंगल है, तो मंगल शुक्र साथ में हम यहां राहु और गुरु को भी देखते हैं और बुध को भी देखते हैं। क्यों? बुध चंद्र कुंडली से अगर देखें तो बुध द्वादश स्थान का स्वामी बनता है, और लग्न कुंडली को देखें तो द्वादश स्थान का स्वामी मंगल बनता है। तो ये सारी चीजें देख करके हमने ये प्रिपेयर किया है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात ये है कि आज जबकि 27 फरवरी को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज के दिन शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और कल 26 फरवरी को
मंगल ने मकर राशि में प्रवेश कर लिया है और मकर राशि में प्रवेश करके मंगल उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं और उसमें जब 28 डिग्री के होंगे तब प्रचंड शक्ति प्राप्त करेंगे। अभी 0 डिग्री से शुरुआत हो रही है। शुक्र ने भी मकर राशि में प्रवेश कर दिया है। मकर राशि भारत देश की कुंडली में भाग्य स्थान में है तो ये इतना चिंता का समय नहीं है। साथ ही भारत देश की कुंडली में शनिदेव योग कारक होकर के वो भी मकर राशि में बैठे हैं तो ये भी एक अच्छी बात है। और गुरुदेव जो लाभ स्थान के स्वामी है लेकिन अष्टमेश भी है वो कर्म स्थान में बैठे हैं तो ये थोड़ा मिलाजुला असर देते हैं। तो सबसे पहली बात हमने बता दी कि शुक्र और मंगल का गोचर कहाँ है। अभी यहां एक और चीज महत्वपूर्ण है कि प्लूटो जिसको ज्यादातर ज्योतिष देखते भी नहीं है लेकिन उसका बहुत ही महत्व है ज्योतिष में, उसको यमदूत या यमराज कहा गया है भारतीय शास्त्रों में। प्लूटो मकर राशि से गोचर कर रहा है और उसकी सीधी सप्तम दृष्टि पड़ रही है कर्क राशि पर। कर्क राशि भारत देश की कुंडली में तृतीय स्थान में है अर्थात पड़ोसी देश, तो पड़ोसी देशों के ऊपर बहुत बड़ा हो हल्ला होने वाला है और ये हम अगले काफी सालों में देखेंगे। लेकिन भारत पर इसका क्या असर होगा ये आज इस वीडियो में मैं स्पष्ट करूंगा। दूसरा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट राशि परिवर्तन होने वाला है राहु का, वो होने वाला है 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को राहु वृषभ राशि छोड़ के मेष राशि में जाएंगे जो भारत देश की कुंडली में द्वादश स्थान है और केतु वृश्चिक राशि छोड़ के तुला राशि में जाएंगे जो छठा स्थान है, शत्रु स्थान है, रिपु स्थान है। तो शत्रुओं की बुद्धि भ्रष्ट होगी, शत्रु धोखा देने की कोशिश करेंगे अप्रैल के बाद और राहु द्वादश स्थान में आएगा तो ये जो राशि परिवर्तन होगा राहु का ये भारत देश के लिए इतना अच्छा नहीं है। भारत को विदेश नीति पे बहुत काम करना पड़ेगा, विदेशी हमलों से भारत की सुरक्षा करने के विषय पे चौकन्ना रहना होगा। तो अप्रैल के बाद राहु और केतु का जो परिवर्तन हो रहा है राशि परिवर्तन गोचर, ये भारत के लिए एक सिरदर्द हो सकता है, मतलब होने वाला है। जब भी हम ज्योतिष में कुछ भविष्यवाणी करते हैं तो सामने वाली व्यक्ति को हम डराना नहीं चाहते, इसलिए कहते हैं हो सकता है। और अगर पॉजिटिव प्रेडिक्शन है तो आसमान पे चढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए भी नहीं कहते कि आपको 5 लाख की लॉटरी लगेगी, हो सकता है इसलिए बोलते हैं ताकि ना वो आसमान में चढ़ जाए ना वो डिप्रेशन में चला जाए। तो हो सकता है मतलब ग्रहों का असर है कि ये होगा, लेकिन आप अपने विल पावर से या अपनी लापरवाही से इसे परिवर्तन कर सकते हैं। विल पावर होगा तो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने का प्रयास कर सकते हैं, लापरवाही होगी तो पॉजिटिव चीज भी नेगेटिव में जा सकती है। तो फरवरी में मकर राशि में जो मंगल शुक्र का गोचर है अच्छा है, चिंता की बात नहीं है। तो फेब्रुआरी और मार्च महीने में मंगल और शुक्र का मकर राशि का गोचर अच्छा है भारत देश के लिए, कोई भी डरने की बात नहीं है। इसके बाद 31 मार्च को शुक्र गोचर करेंगे कुंभ राशि में और मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 7 अप्रैल को। तो 31 मार्च और 7 अप्रैल के बाद का जो समय है उसमें मंगल की सीधी सप्तम दृष्टि पड़ेगी भारत देश के चतुर्थ स्थान भूमि स्थान सिंह राशि पर। तो शत्रु की भारत देश पर दृष्टि वैसे तो हमेशा ही रही है, पाकिस्तान की और चीन की दृष्टि, लेकिन वो कार्यान्वित होगी फिर से। ये अप्रैल में फिर से इनकी दृष्टि इस पे मंडराने लगेगी भारत की भूमि पे और प्लानिंग शुरू होगा कुछ करने का। इसके बाद 27 अप्रैल को शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे अपनी उच्च राशि में, जबकि मंगल 17 मई को प्रवेश करेंगे मीन राशि में। तो शुक्र उच्च राशि में होंगे तो भारत देश की स्थिति अच्छी होगी,
विदेश से लाभ ही होगा उस समय हमें, तो इसमें भी डरने वाला समय नहीं है। इसके बाद जून 27 को मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे, स्वगृही होंगे, और शुक्र 23 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहां पर फिर से भारत का द्वादश स्थान एक्टिवेट होगा और विदेशी ताकत जो भारत की भूमि पर नजर मंडरा रही है उसकी सूचना भारत की रक्षा प्रणालियां, भारत के मंत्री, सरकार, ये सब इस पे अपना फोकस बनाएंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या गतिविधि कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, या आतंकवादी पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट, या ये लोग भारत की भूमि पर घुसने के क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो जो जासूस तंत्र है भारत देश का वो कार्यान्वित होगा, नजर बनाएगा कि ये गतिविधियां क्या हो रही है। तो ये समय होगा मई महीने के बाद, ये समय होगा इम्पोर्टेंट समय होगा भारत देश की विदेश विभाग और रक्षा विभागों के लिए। इसके बाद जून महीने में 18 जून को शुक्र वृषभ राशि में आएंगे और मंगल जो है वो 10 अगस्त को वृषभ राशि में आएंगे। तो ये जो समय है यहाँ ज़्यादा सावधान होने का समय है। अब इसके बीच, ये जून और अगस्त के बीच दो ऐसे समय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है, और इसके बाद भी, अगस्त के बाद भी सावधान रहने के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है। तो मैं जो कि अभी अगस्त तक की बात कर रहा हूँ, अगस्त के आगे की बात अगले वीडियो में करूँगा, लेकिन अगस्त शुरू होने से पहले नोट कर लीजिए 14 जुलाई रात को 8 बजे से लेकर के 17 जुलाई मध्यरात्रि, ये जो 4 दिन 14 जुलाई से 17 जुलाई, 14 जुलाई रात को 8 बजे से 17 जुलाई मध्यरात्रि तक भारत को अपनी सीमाओं पर विशेष ध्यान देना होगा। घुसपैठ की कोशिश, भारत की बॉर्डर पर आतंकवादी द्वारा या विदेशी ताकतों के द्वारा कुछ आक्रमण का प्रयास हो सकता है, और विशेष रूप से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये प्रयास हो सकता है। अरेबियन सी जो है ईस्ट डायरेक्शन में, जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ भी शायद हो सकता है, लेकिन साउथ और ईस्ट में ज़्यादा संभावना है 14 जुलाई से 17 जुलाई के बीच। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 28 जुलाई सुबह 4:45 बजे से लेकर के 31 जुलाई सुबह 8 बजे तक, ये पक्का उत्तर और पूर्व दिशा, जो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है और नेपाल वाली बॉर्डर है, अरुणाचल प्रदेश सिक्किम वाली जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर्स है नॉर्थ और ईस्ट की बॉर्डर्स, यहाँ पर भारत को विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ पर चीन और कश्मीर के तरफ पाकिस्तान ये चंचुपात अवश्य करेंगे, और हो सकता है कि जैसे पिछले साल भी चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की और छोटी मोटी नोकझोंक लड़ाई हुई, ऐसा होने के पूरी पूरी संभावना है 28 जुलाई अर्ली मॉर्निंग 4:45 बजे से 31 जुलाई की सवेरे। तो ये भी 4 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा हो या बड़ा हो, होने की पूरी संभावना है। मुझे ये नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन कुछ न कुछ तो अवश्य ही होने वाला है। तो ये दो समय अवधि है, उसमें भारत देश को, भारत की रक्षा प्रणाली, भारत की आर्मी, एयरफोर्स और भारत की सरकार को विशेष सावधान रहना है। विदेशी ताकत भारत पर हमला करे या आक्रमण करे या घुसपैठ करे, उससे सावधान रहना है।
साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हमला अगर होता है, अगर भारत की सीमाओं पर विदेशी ताकतें हमला करती है, तो उसका परिणाम क्या होगा? चाहे वो जुलाई का 14 जुलाई से 17 जुलाई अर्थात तीसरा हफ्ता, या अंतिम समय 28 जुलाई से 31 जुलाई, दोनों समय में अगर चीन या पाकिस्तान की तरफ से कोई भी सोल्जर्स, इन्फंट्री या किसी भी प्रकार का हमला भारत पर होता है, तो भारत की सेना उसका बहुत ही अच्छे से सामना करेगी और जो भी नुकसान होगा, ज्यादातर उन विदेशी शक्तियों का, उन विदेशी ताकतों का होगा, विदेशी सेना का होगा। भारत की आर्मी, भारत की सेना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी, तो यहां भी जीत भारत की ही होगी अगर पाकिस्तान या चाइना जुलाई में भारत पर आक्रमण की कोशिश करते हैं, तो उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। इस वीडियो में यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा कि डी और एच से दिल्ली और हिंदुस्तान अवश्य है, लेकिन अभी जो युद्ध हो रहा है वो यूरोप में हो रहा है, और उसमें जहां तक भारत की सरकार इंटरफियर नहीं करेगी तब तक प्रॉब्लम नहीं है। और भारत की सरकार ने बहुत ही सोच समझकर यूनाइटेड नेशंस में अपना वोट डालने से अपने आप को बचाया, क्योंकि रशिया भारत का मित्र देश रहा है, और यूक्रेन पर रशिया ने भले आक्रमण किया है, अच्छा कदम नहीं है, लेकिन यूक्रेन ने भारत को इतना सपोर्ट भी कभी किया नहीं है, रशिया ने सपोर्ट किया है। तो ये एक पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। बाकी दोनों ही देशों की कुछ न कुछ गलती है, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, दोनों की तरफ से कुछ न कुछ गलती है, और इसीलिए ये युद्ध हुआ है। और इसका लाभ उठा करके पाकिस्तान के इमरान खान पहुंच गए रशिया व्लादिमीर पुतिन से मिलने। उन्होंने सोचा कि पुतिन के साथ मिलकर के पाकिस्तान भारत पे आक्रमण करने का प्लान करे, लेकिन ऐसा तो होना मुश्किल है। पुतिन और भारत के बीच, मोदी के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन रिलेशनशिप रहा है, और ज्योतिषीय गणना के आधार पर भी मैंने आपको फेब्रुआरी से लेकर के अगस्त तक की सारी बात बताई। तो ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार जुलाई का महीना बहुत ही सावधान रहने की बात है, और उसमें भी मैंने स्पेसिफिक डेट्स आपको बताई, डायरेक्शन बताया, और उस समय हमें सावधान रहना है, और विदेशी ताकतों से बचने के लिए मंगल के मंत्र जाप, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, ये मंत्र जाप हम कर सकते हैं। भगवान शिव को याद कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, माँ बगलामुखी की आराधना कर सकते हैं, ये सब हम उपाय अवश्य कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके प्रतिभाव हमें कमेंट्स के द्वारा अवश्य दीजिए। अगला वीडियो मैं बताऊंगा जिसमें पोलैंड, जर्मनी और अन्य देशों के विषय में बताऊंगा कि कहाँ किस प्रकार के हमले होने की संभावना है, और उसके बाद फिर अगस्त के बाद का एनालिसिस और ज़्यादा स्टडी करूंगा मैं, और अगला वीडियो बनाऊंगा। तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला लगा होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपके प्रतिभाव, आपके कमेंट्स हमें अवश्य प्रदान कीजिए। आपके कमेंट्स के हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे, और आपके कमेंट्स के आधार पर हम अगले वीडियो भी लेकर के आएंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथ में यहां पर एक कूपन कोड मैं आपको दे देता हूं, आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको मैं एक डिस्काउंट कूपन कोड दे देता हूं। आप अपने जीवन की किसी भी समस्या से ग्रसित है और अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमसे पर्सनल टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हैं, और उसका कूपन कोड रहेगा नो वॉर। जी हाँ, NOWAR, नो वॉर।
ये कूपन कोड आप इस्तेमाल कीजिए और इसमें अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार का डिस्काउंट होगा। किसी दिन आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, किसी दिन 50%, किसी दिन 80% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये डिस्काउंट कोड कहाँ यूज करना है, हमारी वेबसाइट पर जाइए www.anubhavipandit.com। इस वेबसाइट पर जाइए, इसमें कंसल्टेशन पेज पर जाइए, इसमें अलग अलग कंसल्टेशन प्लान है, उस पे आपका पसंदीदा कंसल्टेशन प्लान सिलेक्ट कीजिए और कूपन कोड डालिए नो वॉर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वॉर हो, इसीलिए कूपन कोड है नो वॉर। तो कूपन कोड यूज कीजिए और डिस्काउंट लीजिए, पर्सनल टेलीफोनिक कंसल्टेशन प्राप्त कीजिए। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, प्रणाम।